बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं रिएक्शन वाला कपल। तो आज की वीडियो है मैक्स हैप्पीनेस चैनल से और वीडियो का टॉपिक है हज़रत अली हर्ट टचिंग कॉट्स इन उर्दू, लाइफ चेंजिंग अमोल मतलब है, इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है अनमोल, इसको बोलेंगे मे बी अमोल क्योंकि वो बोलते हैं ना अमोल वचन। तो कॉट्स मतलब कि जो उनकी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया अच्छी प्यारी प्यारी बातें और जो नॉलेजेबल होती हैं, जिनसे कुछ सीख मिलती है हर एक इंसान को पढ़ करके या सुन करके, तो वो अमोल लाइफ को चेंज करने वाले। तो सुनते हैं और ये वीडियो हमारी मैक्स हैप्पीनेस चैनल से, आप इनके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, अगर कोई तुमसे जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से ज्यादा बेहतर समझते हैं। लोगों से इस तरह घुल मिल जाओ कि अगर मर जाओ तो वो तुम पर रोएं और अगर कहीं चले जाओ तो तुम्हारे आने के मुंतजर रहें। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक है। तौबा रूह का गुसल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन सी आदतें हैं जो इंसान के दिमाग को कमजोर करती हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, जो इंसान इन चार आदतों को अपनाता है उसका दिमाग कमजोर होता जाता है। पहली आदत, बार बार तेज आवाजें सुनता हो या बार बार जोर जोर से बात करता हो। दूसरी आदत कि वो हर थोड़ी देर के बाद खाना खाता हो। जो इंसान ज्यादा खाना खाता हो तो उसका दिमाग कमजोर होने लगता है। तीसरी आदत, एक जगह बैठे रहना है। जो इंसान जिस्मानी काम नहीं करता, सारा सारा दिन लेटे रहता है, बैठे रहता है, तो यूं उसका दिमाग कमजोर होता जाता है। और चौथी आदत, जिससे दिमाग कमजोर होता है वो सीखने की जुस्तजू को छोड़ना है। याद रखना, जो इंसान सीखने की कोशिश को छोड़ देता है और ये समझने लगता है कि उसे सब कुछ आ गया, तो उसका दिमाग कमजोर होने लगता है और वो ताकत जो अल्लाह ने दिमाग को बख्शी है उससे वो दिन ब दिन महरूम होने लगता है। ऐ शख्स, अगर अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग की सलाहियतें बेहतर से बेहतरीन होने लगें, तो इन चार आदतों से दूर रहना। अल्लाह तुम्हारे दिमाग को तेज और हर बीमारी से दूर रखेगा। जब कोई मोहब्बत करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे, तो समझ जाओ कि तुम उसकी नजर में अपनी अहमियत खो चुके हो। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करो। हो सकता है कि किसी का बहुत बड़ा काम तुम्हारी छोटी सी दुआ का मोहताज हो। जिसने अपनी परेशानियों को लोगों पर जाहिर किया तो वो अपनी जिल्लत पर राजी हो गया। बेवकूफ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। एहसान करने और दरगुजर के जरिए गुनाहों को छुपाने से अजमत बुजुर्गी मिलती है। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र
गुलामों को बादशाह बना देता है। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान खूबसूरत हो तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करें। शुक्रिया। इनकी साउंड में कितना अजीब सा वो था, मे बी फिल्टर शायद एडिट किया होगा, तो वो ना मतलब इस कॉर्ड्स के साथ मैच कर रही थी। एक होता है ना कॉर्ड्स सुनाने वाला, जैसे अब मैं ही कोई कॉर्ड पढ़ो तो मैं थोड़ी अजीब लगूंगी सुनाने में, क्योंकि मैं एकदम नॉर्मली बोलूंगी, लेकिन इनकी जो कॉर्ड्स बोलने का तरीका था या जिस तरह से बोल रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था कि कॉर्ड्स ही सुन रहे हैं हम। तो हज़रत अली के बारे में तो वैसे ही हमें इतना कुछ पता है कि उनको उनसे कोई भी ज़्यादा कितनी भी नॉलेज की बातें सुन लो, मतलब हमने एक सीरीज़ भी करी थी थोड़ी सी, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें, हर सीरीज़ में 10 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि शॉक्ड होते थे और काफ़ी नॉलेजेबल होते थे। तो हज़रत अली के वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, लाइक ये कि ये पूरी टोटली लाइफ से रिलेटेड थे सारे के सारे कॉर्ड्स, कि जो आपसे जेलस करता है मतलब, या आप जिससे जेलस करो तो आप यही समझते हो कि अपना सामने वाला हमसे बेहतर है तभी आप जेलस करते हो, या आपसे कोई जेलस करे तो वो आपको अपने से ज़्यादा बेहतर समझता है। और जो चार चीज़ें इन्होंने बताई कि दिमाग कमज़ोर होता है किन चार चीज़ों से, उसमें से कि यही थी कि आप हमेशा मतलब लेटे रहते हो या फिर बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे तो आपका दिमाग स्लो होता जाएगा, और अगर छोटी छोटी गलतियों से अगर आप अपनी चीज़ों को सीखोगे नहीं मतलब इग्नोर कर दोगे तो भी आपका दिमाग कमज़ोर होगा, और सीखने की आप ख्वाहिश नहीं रखोगे कुछ भी सीखने की। इवन छोटी से छोटी चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, तो अगर वो चीज़ें आप सीखनी बंद कर देंगे तो भी आपका दिमाग ऐसे ही सोचेगा कि हमें सब आता है, लेकिन कोई मोमेंट आपके पास ऐसा आएगा लाइफ में जाके जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी अपना दिमाग चलाने की, तो वहाँ आप दिमाग चला नहीं पाएंगे। मतलब एक तरह से दिमाग को एक्सरसाइज कराने के लिए कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए ताकि दिमाग तेज रहे, या कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, किसी ना किसी चीज़ में लगे रहना चाहिए, या तो नॉलेजेबल चीज़ें सुनते रहना चाहिए, या फिर आप किसी की मदद करें तो उसमें अपना दिमाग लगाएं, अपना हाथ बटाएं, तो भी ऐसा होता है। कुछ भी इवन मॉर्निंग से लेके एंड तक आप कुछ भी करते हैं तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नई चीज़, हर एक दिन नया ही होता है और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि ये जो चार चीज़ें होती हैं वो दिमाग स्लो करती हैं, तो वाकई में ऐसा होता है, दिमाग स्लो होता है अगर आप बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, या फिर कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, या फिर कुछ यही सोचते रहोगे कि मुझे सब आ गया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इवन महान से महान बंदा, साइंटिस्ट वगैरह, उन वो भी दर बदर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तभी उनको नई नई चीज़ें पता चलती हैं और हमारे सामने वो निकल के आती हैं। तो वो भी ऐसा ही है कि मतलब इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, कभी भी कुछ ना कुछ गलती कभी करता है या कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये थी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हज़रत अली की बातें। आप इनके की चैनल पे जाकर के ये वीडियोस देख सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैक्स हैप्पीनेस, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।